नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि की और देव गुरु बृहस्पति मार्च के महीने में आपके लिए क्या शुभ परिणाम लेकर आ रहे हैं, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं और देव गुरु बृहस्पति के अधिकार में हमारे जीवन के बहुत सारे सुख आते हैं। अगर देव गुरु बृहस्पति हमसे नाराज तो समझ लीजिए जीवन के सुख भी हमसे नाराज हो जाएंगे। तो प्रथम भाव में जब देव गुरु बृहस्पति बैठेंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए क्या होगा, यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। और आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं। प्रथम भाव कुंडली का तख्त होता है। तख्त को समझते हैं जैसे राजा की गद्दी। ड्राइवर हमेशा आगे वाली सीट पर बैठता है, ड्राइवर की सीट अलग होती है, उसमें सुविधाएं ज्यादा होती हैं। पायलट की सीट हवाई जहाज का, वो राजा है उस समय हवाई जहाज का। राजा कौन है? पायलट। देश का राजा कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जो मंत्री पद पे बैठे हैं लोग, तो उनकी गद्दी हमेशा ऊंची होती है। ऐसे ही आप समझ लीजिए कि देव गुरु बृहस्पति राजा की गद्दी पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर राजा के समान होते हैं देव गुरु बृहस्पति। ज्ञान भी एक प्रकार का धन है और धन कमाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। आपके पास पैसा और ज्ञान दोनों होगा या आपके पास खूब पैसा होगा और ज्ञान कम होगा, लेकिन पैसा उसी के पास होता है जिसके पास ज्ञान होता है, तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें एक साथ जुड़कर चलेंगी। अब इस दुनिया में दो प्रकार के राजा होते हैं। एक राजा होता है जिसे दीन दुनिया से मतलब होता है, जिसके पास धन दौलत मियाँ बीवी बच्चे परिवार देश दुनिया होता है। एक राजा होता है जो सन्यासी होता है, जिसको सिर्फ ईश्वर से मतलब है, ईश्वर की भक्ति से मतलब है। तो दो प्रकार के राजा हो गए, एक सन्यासी भी राजा है और एक राजा जो हम और आप जैसे जिंदगी जीते हैं वो भी राजा है। तो अगर आप सन्यासी भरे जीवन में हैं तो भी आपके पास ज्ञान होगा, और सन्यासी को धन नहीं चाहिए होता है तो उसके पास ज्ञान की अधिकता होगी, और जिस और जो दूसरा हम राजा है उसके पास धन और ज्ञान दोनों होगा। तो यानी हर प्रकार से फायदा कुंभ राशि वालों का होता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। कई बार आपने देखा होगा इंसान कम पढ़ा लिखा होता है, कम अनुभवी होता है, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चलता है और बड़े बड़े लोगों को पछाड़ देता है। तो ऐसा ही कुछ आप करेंगे। उम्र छोटी हो सकती है, अनुभव कम हो सकता है, लेकिन आपके दिमाग में आया हुआ आइडिया या आप जो बात कर रहे हैं उसमें दम बहुत होगा। दुश्मन से डरेंगे नहीं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शादी हो गई है तो जीवन साथी का साथ मिलेगा, शादी नहीं हुई है तो जीवन साथी मिल जाएगा। धार्मिक भी होंगे, शिक्षित भी होंगे, धन कमाने वाले इंसान भी होंगे, सांसारिक सुखों को भी भोगेंगे और अध्यात्म का भी सुख लेंगे। इससे सुनहरा और गोल्डन वक्त शायद ही आपको देखने को कभी मिला हो अपने जीवन में। आप जीवन के हर एक क्षेत्र में सम्मानित होंगे, आध्यात्मिक होंगे, आप दूसरों की समस्याओं का हल करने की शक्ति रखते होंगे, आर्थिक तौर पे भी और दिमागी तौर पे भी। ज्योतिष के जानकार हो सकते हैं, आपको बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा वक्त बिता रहे हैं और बहुत अच्छा वक्त बिताएंगे मार्च के महीने में। आपके जीवन में सुख ही सुख होगा और आप समझ लें कि अगर देव गुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हैं तो इससे शानदार वक्त और क्या होगा। प्रथम भाव में बृहस्पति उत्तम फल देंगे, मनोहर व्यक्ति होंगे, दिल जीत लेने वाले व्यक्ति होंगे, दीर्घायु होंगे, स्पष्ट वक्ता होंगे, स्वाभिमानी होंगे, स्वभाव में उदार होंगे, ब्राह्मण देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते होंगे, ईश्वर से डरते होंगे, दान मोह धर्म में आपकी गहरी आस्था होगी, और आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी बच्चों में जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई है जो बच्चे हैं बहुत तेज होगी, और विचार से सोच विचार कर आप काम करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, स्वभाव स्थिर होगा, जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, सत्य का साथ देंगे, सबूत के साथ चलेंगे, हवा में बातें नहीं करेंगे, राजा के समान एक अच्छे इंसान के समान आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हाँ, कई बार लोग आपके खिलाफ झूठी अफवाह फैला देते हैं जिससे आप थोड़ा परेशान होंगे, लेकिन बात पे सब ठीक हो जाएगा। शत्रु कष्ट पहुंचाएंगे लेकिन आप पर कोई असर नहीं होगा। आपके शरीर में इस समय ऊर्जा का वास होगा और बहुत ही बढ़िया होगा। हाँ, आलसी हो जाना, मोटापा बढ़ जाना, ज्यादा खाना, उल्टा सीधा खाना कई बार
आपको कुछ रोग दे देता है, उससे आपको बचना होगा। व्यायाम वगैरह करते रहने चाहिए। सफलता अहंकार लाती है, अहंकार से बचना होगा। आप पुलिस, सेना, बड़े बड़े पदों पर बैठ सकते हैं, घमंड से दूर रहना होगा। और इस समय में आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी, धन दूसरे अन्य रास्तों से भी आएगा, शुभ कामों से आएगा। आपको संतान का सुख, स्त्री का सुख भी मिल जाएगा, धन दौलत भी मिल जाएगी, रत्न दौलत आभूषण भी मिल जाएंगे। आप जिस सौदे में भी हाथ डालेंगे वहां पर लाभ होगा। चित भी मेरी, पट भी मेरी, हर जगह से लाभ ही लाभ होगा। आप एक अच्छे वक्त को बिता रहे हैं, आपको एक शक्तिशाली ग्रह का आशीर्वाद मिल रहा है, समस्त चिंताओं को दूर कर देगा, सुख संपदा बढ़ जाएगी, अध्यात्म होगा, ईश्वर होगा, धन होगी, दौलत होगी, आपके मन में दूसरे के प्रति सद्भावना होगी, दया, भाग्य और सौभाग्य, इन सब का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसके अलावा आप ये समझ लीजिए, आपको हर एक क्षेत्र में अच्छे परिणामों की उम्मीद करनी चाहिए, गलत कुछ हो ही नहीं सकता। जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में भी गुरु प्रथम भाव में बैठे हैं, उसके लिए ये वक्त सोने पर सुहागा होगा, मानो धरती पर सारी खुशियां उतर आई हो। आपको हर प्रकार के लाभकारी गुण मिलेंगे, नौकरी व्यापार में परिवर्तन होगा, नौकरी व्यापार की समस्याएं दूर होंगी और बहुत बहुत शानदार रिजल्ट आप देखेंगे। घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। मार्च का महीना कहीं ना कहीं बहुत शानदार रहेगा। स्वयं को आप भाग्यशाली समझ सकते हैं, आपके काम पॉजिटिविटी से बनेंगे, नकारात्मक कोई चीज नहीं होगी। आपकी कठिनाइयों को दूर कर देंगे देव गुरु बृहस्पति, लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। यात्राओं में लाभ होगा और अच्छा रिजल्ट मिलता ही मिलता चला जाएगा। आपके जीवन में कुछ उपहार मिल सकते हैं, आप आशावादी होंगे, ईमानदार होंगे और अप्रत्याशित रूप से लाभ कमाएंगे और शत्रुओं पर वार करके विजयी होंगे। आप कई बार आक्रामक भी हो सकते हैं, आपको अच्छे दोस्त यार भी मिल सकते हैं। जटिल समस्याओं का समाधान करने में आप माहिर रहेंगे। आप कठिनाइयों से बाहर निकल आएंगे, जो भी आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप थे, गंभीर आरोप थे, उनसे बच जाएंगे और ईमानदारी से बाहर निकल आएंगे। आप कई बार विचारों में खो जाते हैं, कल्पनाशील हो जाते हैं, इसकी वजह से आप अपने टारगेट को पाने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो विचार करिए लेकिन विचारों में खो मत जाइए, सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए भी प्रयास करने पड़ते हैं। तो आपके लिए बाधाओं भरा जीवन समाप्त करने का वक्त आ गया है। आपका व्यक्तित्व का विकास होगा, आपके अंदर की जो कमियां थी आप अपनी कमियों को समझेंगे और उनको दूर करके अपने आप को एक अच्छा इंसान बना देंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। आपकी सामाजिक छवि बहुत ही अच्छी होगी, घर परिवार हर जगह पर आपकी छवि मजबूत होगी। आपका पॉजिटिव होना और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना सभी को भाएगा। इस समय में आप समझ लीजिए कि पैसे का रोटेशन आप बढ़ाएंगे, मार्केट में पैसा लगाएंगे, मार्केट में पैसे से पैसा कमाएंगे। आपके व्यक्तित्व के विकास की वजह से आपको हर तरफ से आपको सफलता मिलेगी। जीवन का संतुलन बना के रखेंगे, नौकरी, व्यापार, घर परिवार सबका संतुलन होगा। भाग्य हर कदम पर आपका साथ देगा, आप खुद भी कड़ा परिश्रम करेंगे, मेहनती भी होंगे, भाग्य का सपोर्ट भी होगा। समस्याओं को, मुद्दों को वक्त पर निपटा लेंगे और जीवन में तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। चुनौतियों को आसानी से लड़कर पार करेंगे, दूसरों की जरूरत को समझेंगे, घर परिवार की मदद करेंगे, बस दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे बल्कि उनके लिए आप करेंगे। आपका पॉजिटिव मानसिकता से आप दुनिया जीत लेंगे। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन में आपको तो विजयी बनाएगा, आपके साथ में रहने वाले लोगों के लिए भी बढ़िया होगा, आपके घर परिवार के लोग भी तरक्की करेंगे। जमीन जायदाद आपके पास होगी, घर होगा आपके पास, गाड़ी होगी, एक्स्ट्रा कंफर्ट होगा, लग्जरी लाइफ होगी, ज्यादा मिलेगा, दूसरों से अधिक आप कमाएंगे, दूसरों से अधिक सम्मान आप प्राप्त करेंगे, दूसरों से अधिक ज्ञान आप प्राप्त करेंगे। आपकी बुद्धि बहुत तेज है, ये सब मैं बातें बार बार आपको बोल रहा हूँ क्योंकि वक्त ही इतना अच्छा है। आप मामलों को निपटा देंगे, दखलंदाजियों से दूर रहेंगे, मुसीबत से बचेंगे। कई बार आप जब कमजोर पड़ जाएंगे तो ईश्वर आपकी सहायता करेगा। बृहस्पति आपको हर प्रकार की स्वतंत्रता दे देंगे। आप समझ लीजिए आप कम उम्र में राजा बन जाएंगे, पढ़े लिखों के बाप होंगे, कम उम्र में नाम कमा लेंगे, कम उम्र में आपके पास सब कुछ हो जाएगा या कम वक्त में हो जाएगा। गंभीर समस्याएं जो हैं आपको कई बार रोग से संबंधित हो सकती हैं, उस पर थोड़ा सावधान रहिएगा। पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बचिएगा क्योंकि सफलता अक्सर अहंकार लाती है, क्रोध लाती है, घमंड लाती है, उससे बचना होगा। आप ये समझ लीजिए आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, नेगेटिव प्रभावों से आप बच जाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति मजबूत हैं तो आपको आशीर्वाद मिल रहा है,
आपके काम स्वतः बनते चले जाएंगे, और अगर वहां पर मजबूत नहीं है तो आपको उपाय करने पड़ सकते हैं। इस समय पे आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनों के बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे और बढ़िया करेंगे। बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी, जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की मिल जाएगी। जो है वो बढ़िया होगा, जो नहीं है वो मिल जाएगा, वो चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मार्च के महीने में अस्त रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। तो जैसा कि आपकी राशि के हिसाब से अगर देखें तो बृहस्पति दूसरे और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं, तो जीवन में छोटी मोटी निराशाएं असफलताएं मिल सकती हैं, तो उससे नाराज मत होइएगा, अपना आपा मत खोइएगा। कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी जिसकी आपने उम्मीद ना की हो, थोड़ा सा विलंब हो जाए किसी काम में, आज का काम कल हो, कोई काम टल जाए, आपने जितना उम्मीद की थी उतना अच्छा आपको परिणाम ना मिले। व्यवसाय चला रहे हैं तो छोटी मोटी रुकावटें बाधाएं आ जाएं, प्रॉफिट थोड़ा रुक कर मिले या कम मिले, मिलेगा लेकिन थोड़ा 19-20 कम हो सकता है। जितना सोचा था, आपने सोचा था कि 1,00,000 रुपए बचेगा, हो सकता है कि 90,000 बचे, ऐसा हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। कि ये मत सोचिएगा कि बचेगा ही नहीं, जीरो कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ अच्छा रहेगा। आपकी थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है, आप टेंशन में जा सकते हैं, यही 19-20 होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। खर्चे सोच समझ कर करिएगा और किसी उल्टी सीधी बातों में मत आइएगा, धर्म के विरोधी मत होइएगा, ईश्वर की भक्ति करिएगा, मंदिर जाइएगा और धर्म स्थान पर मत्था टेकते रहिए, माता पिता की सेवा करिए और अपने परिवार में जो भी लोग हैं जीवन साथी के साथ आप अच्छा वक्त बिताइए, उनको पूरा टाइम दीजिए, उनसे रिश्ते अच्छे रखिए। और जो जोड़ों का दर्द या कमर का दर्द थोड़ा परेशान कर सकता है, उसके लिए योग प्राणायाम करिए और स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मोटापा कम करिए और शुगर कंट्रोल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई वगैरह खाएं, बाकी सब कुछ बढ़िया है। यानी 19-20 दिक्कत होगी अस्त होने की वजह से देव गुरु बृहस्पति के, लेकिन सूर्य भी साथ में है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा, ये मौका है, इसका फायदा उठा लो। अगर आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति खराब स्थिति में है, राहु केतु के साथ हैं या कुछ और बुरी स्थिति में है, पीड़ित हैं, तो तुरंत इलाज कराइए ताकि मार्च का महीना शानदार बन जाए। और दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच करा सकते हैं। तो मैं फिर कहूँगा आपके लिए एक बेहतर वक्त है, आपका बेहतर वक्त है और आपके बेहतर वक्त से कई और लोगों का वक्त भी बेहतर हो जाएगा। नमस्कार।